आज हम कुछ अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बिना हमारा जो आधुनिक जीवन शैली है वो बहुत ही अधूरा है या हम कहें कि हम अपने जीवन को इन सब वस्तुओं के बिना बहुत आसान नहीं पाते हैं आज के समय में तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो इन पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं जैसे हमारा भोजन है इस भोजन का जो प्रमुख अवयव है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसी तरह से हमारे आसपास जैसे हम प्रयोग करते हैं प्लास्टिक की बाल्टी कप बच्चों के खिलौने पैकेज में उपयोग करने वाले जो विभिन्न प्रकार के थैले होते हैं उसके लिए घरेलू उपकरणों में चिकित्सा के समय जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उससे बने हुए पदार्थों का प्रयोग होता है विद्युत रोधी पदार्थों में इनका प्रयोग किया जाता है रस्सी बनाने में थैले बनाने में जाल बनाने में और ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम डेली रूटीन में अपने करते रहते हैं तो ये किस तरह के पदार्थ होते हैं इन्हें हम कहते हैं पॉलीमर या बहुलक बहुलकों ने आधुनिक जीवन शैली को बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर दिया है और बहुत जीवन को इसने आसान बना दिया है औद्योगिक क्रांति लाई है तो हम इस चैप्टर में पॉलीमर्स के बारे में या बहुलकों के बारे में जानेंगे बहुलक जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं बहुलकों का प्रयोग हम अपने जीवन में कई जगह पर देखते हैं जैसे भोज्य पदार्थ की पैकेजिंग में विभिन्न तरह की जो थैलियों का प्रयोग किया जाता है या जो ब्लैक कोटेड यूटेंसिल्स होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है तो पॉलीमर ने हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन लाया है तो पॉलीमर शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक शब्द से हुई है पॉली एवं मर पॉली का अर्थ होता है मेनी, यानी बहुत सारे और मर का अर्थ होता है पार्ट्स यानी भाग तो पॉलीमर का जो हिंदी है वह है बहुलक तो पॉली और मर यानि बहुत सारे छोटे छोटे भाग मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं और ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं इन्हें हम कहते हैं एकलक या मोनोमर जैसे यहाँ पर आप देखिए कि एक छोटा सा मोनोमर है जो कई बार रिपीट होते होते कई बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है और ये एक बड़े अणु के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो इस तरह से छोटे छोटे यूनिट्स के आपस में जुड़ने से एक बड़ा पॉलीमर का निर्माण होता है बहुलकों का उपयोग जो है वो प्रमुख रूप से चार उद्योगों में देखा जाता है प्लास्टिक में प्रत्यास्थक बहुलक या इलास्टोमर जिसको कहते हैं रेशों में यानी फाइबर्स में पेंट्स और वार्निश इन उद्योगों में पॉलीमर्स का बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलता है बहुलक जो है वो काफ़ी बड़े अणु होते हैं इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है लगभग 10 के घात 3 से 10 के घाट 7 यूनिट तक होता है और ये जो बहुलक है वो कई छोटे छोटे अणुओं के बार बार रिपीटेशन से बार बार पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों से बहुत अधिक मात्रा में इनके जुड़ने से बनता है तो इसलिए इनका जो अणु भार होता है वो भी बहुत अधिक होता है ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिसे हमने देखा कि ये छोटी छोटी जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं एक लग, तो ये जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड या एक कोई भी निश्चित रूप से किसी भी उपयुक्त प्रकार के बंध से ये बंधे होते हैं और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं इनके जुड़ने की जो प्रकृति होती है वो कई प्रकार से ये जुड़ सकते हैं अब हम बहुलक की परिभाषा यदि देखें तो जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न छोटे छोटे या सरल अणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो यह जो अणु है वो कहलाता है बहुलक या पॉलीमर और इस प्रकार बहुलक बनने का जो प्रक्रम है या यह प्रक्रिया जो है वो कहलाती है बहुलकीकरण या बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन और जो छोटे अणु हैं वो कहलाते हैं मोनोमर या एकलक तो इस प्रकार हम एक उदाहरण लेके चलते हैं जैसे मान लीजिए हम पॉलीथीन लेते हैं तो पॉलीथीन के लिए जो एकलक यूनिट है वो है एथिलीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इसके सामने हमने लगाया है एन एन का अर्थ है कि कई सारे छोटे छोटे एथिलीन के अणु आपस में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं जब हम इसे जोड़ते हैं देखिए तो सी एच टू सी एच टू और होल एन लगाते हैं और यहाँ पर हमने देखा सी एच टू के इस तरफ एक बॉन्ड लगाया और उधर सी एच टू के उधर भी हमने एक बॉन्ड लगाया ये इसलिए लगाते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है चार कार्बन की संयोजकता चार होती है और दोनों तरफ हमने बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से एक लाइन बना दिया है और ये शो करता है होल एन ये शो करता है कि कई सारे एथिलीन के अणु आपस में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं यहाँ पर आप देखिए जो हमने पॉलीथीन बनाया है एथिलीन से तो एथिलीन के सूत्र में हमने लिखा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू लेकिन पॉलीथीन के सूत्र में हमने लिखा सी एच टू सी एच टू और सब जगह सिंगल बॉन्ड है लेकिन आप देखिए कार्बन की जो संयोजकता है वो चार है तो इसको पूरा करते हुए हमने इस पूरी श्रृंखला को कंप्लीट किया होल एन लिख दिए मतलब कई सारे एन अणु एथिलीन के आपस में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुलक के निर्माण के समय केवल एक ही प्रकार के अणु का प्रयोग हुआ है वो है वो है एथिलीन एथिलीन अणु के बार बार रिपीटेशन से पॉलीथीन का निर्माण हुआ तो ये जो एथिलीन है वह एकलक है और पूरे पॉलीथीन में केवल एक ही प्रकार के अणु एथिलीन का प्रयोग हुआ है तो यह जो एथिलीन है उसके द्वारा पॉलीथीन का निर्माण हुआ तो इस प्रकार के बहुलक को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं जिसे कहते हैं सम बहुलक यानी इसमें एक ही प्रकार के एकलक अणुओं का प्रयोग हुआ है दूसरा हम एक उदाहरण लेते हैं जहाँ पर एक से अधिक प्रकार के एकलक अणुओं के द्वारा भी बहुलक का निर्माण हो सकता है इसके उदाहरण में हम देखते हैं नायलॉन सिक्स सिक्स नायलॉन सिक्स सिक्स के निर्माण में जिन दो एकलकों का प्रयोग हुआ है वह है हेग्जा मेथिलीन डाइमिन और एडिपिक अम्ल हेग्जामेथिलीन डाइमिन का सूत्र है NH2 CH2 होल सिक्स और फिर NH2 और ए डी पी कमल का सूत्र है सी ओ ओ एच सी एच टू होल फोर सी ओ ओ एच तो इन दोनों से बनता है नायलॉन सिक्स सिक्स तो यहाँ पर जब इन दोनों को लेते हैं और इसका बहुलकीकरण कराते हैं दो तो सौ पच्चीस टेम्परेचर पर इसे गर्म किया जाता है तो बहुलक का निर्माण हुआ यहाँ पर आप देखिए कि सी ओ ओ एच है ए डी पी कमल का और एन एच टू में से एच ले लेते हैं तो ओ एच ए डी पी कमल में से सी ओ एच का ओ OH एच और एन एच टू के एच के द्वारा बनता है जलकाणु इस प्रकार से एक बहुलक का निर्माण हुआ जिसमें हम देख रहे हैं बड़ा ब्रैकेट लगा दिए एन एच सी एच टू होल सिक्स फिर एन एच सी ओ सी एच टू होल फोर सी डबल बॉन्ड ओ और सी होल एन कर दिए तो यहाँ पर जो एन एच सी ओ का निर्माण हुआ है वो इस प्रकार हुआ कि एन एच टू का एच और सी ओ ओ एच के ओ OH एच दोनों के मिलने से जल के अड़ु का बनना हुआ और इस प्रकार से जल के अणु के निकलने से जो एक बहुलक बना वो है नायलॉन सिक्स सिक्स अब ये जो नायलॉन सिक्स सिक्स है इसमें आप देखिए कि छः अणु सी एच टू में कार्बन के छः अणु हैं वहाँ से सिक्स आ गया और जब आप ए डी पी के साथ इसे देखते हैं तो सी एच टू होल फोर है और सी ओ ओ एच और सी ओ ओ एच इसमें दो कार्बन हो गया तो इस तरह से उसमें भी सिक्स कार्बन है तो इसका जो नाम है नायलॉन सिक्स सिक्स तो नायलॉन शब्द की जो उत्पत्ति है क्योंकि इसे बनाने वाले जो वैज्ञानिक है वो न्यूयॉर्क और लंदन के थे तो उसी आधार पर इस तरह के जो बहुलक है इसका नाम पड़ा नायलॉन सिक्स सिक्स तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक से अधिक प्रकार के एकलक अणुओं का निर्माण हुआ जब नाइलॉन सिक्स सिक्स बना और ऐसे ही बहुत सारे अन्य हम आगे चल के पढ़ेंगे कई सारे ऐसे बहुलक हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के एकलक अणुओं के द्वारा भी बहुलक का निर्माण हो सकता है दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं एकलक अणु तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उसको हम सह बहुलक या को की कैटेगरी में रहते रखते हैं तो इसमें हमने जाना कि जो बहुलक है वो एकलक अणुओं के एकलक अणुओं के प्रकार के आधार पर यदि समान प्रकार के एकलक अणु हैं तो समबहुलक या होमोपॉलीमर बनेगा और यदि दो भिन्न प्रकार के एकलक अणु हैं तो कोपॉलीमर या या सहबहुलक का निर्माण होता है कुछ हम समबहुलकों के और उदाहरण देखेंगे जैसे कि पीवीसी पीवीसी बहुलक है इसका जो एकलक है विनाइल क्लोराइड पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड दूसरा है टेफ्लॉन टेफ्लॉन में सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू यानी टेट्राफ्लोरोथिलन से ये बना होता है तो टेट्राफ्लोरोथिलीन जो है वो इसका एकलक है और टेफ्लॉन व्यापारिक नाम है पॉली टेट्राफ्लोरोथिलीन का तो वो यहाँ पर बहुलक है स्टार्च जो हमारे प्राकृतिक बहुलक में आता है स्टार्च के लिए जो एक लक है वो है ग्लूकोज तो यहाँ पर हमने देखा सम बहुलकों के कुछ उदाहरण जिसमें हमने देखा कि जितने भी एकलक हैं जिन एकलकों से बहुलक का निर्माण हुआ है वो सब एक ही प्रकार के हैं उस अणु को बनाने के लिए जैसे स्टार्च का निर्माण होता है तो वहाँ पर ग्लूकोज के अणुओं के द्वारा ही स्टार्च का निर्माण हुआ पीवीसी का निर्माण हुआ तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा ही पॉलीविलाइन क्लोराइड का निर्माण हुआ कुछ उदाहरण हम सह बहुलक के भी देखेंगे जैसा हमने नायलॉन सिक्स सिक्स देखा उसी तरह से हम देखेंगे ब्यूना एस ब्यूना एस एक बहुलक है ब्यूना एस या इसे पूरा नाम कहते हैं ब्यूटाडाइन डाइन रबर या इसको एस बी आर के नाम से भी जाना जाता है ब्यूटाडाइन डाइन रबर तो इसको बनाने के लिए दो एक लग का प्रयोग हुआ है पहला है ब्यूटाडाइन और दूसरा है स्टायरन तो ब्यूटाडाइन को हम नाम दे सकते हैं वन थ्री ब्यूटाडाइन यानी यहाँ पर जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग है डबल बॉन्ड है वो पहले और तीसरे कार्बन पर है तो इसका नाम हो सकता है ब्यूट वन थ्री डाई इन या वन थ्री ब्यूटा डाई इन ऐसा भी इसका नाम लिख सकते हैं और स्टाइरिन में बेंजीन रिंग है और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो इसके भी एन अणु यानी स्टाइरिन का एन अणु और ब्यूटा डाई इन का भी एन अणु इनके संयोग से बनता है ब्यूना एस तो यहाँ पर भी जब हम इसे बनाएंगे इस तरह के ब्यूना एस का निर्माण होगा तो यहाँ पर भी एक संयोजन अभिक्रिया जैसा होता है लेकिन जब हम बनाते हैं इसको तो कार्बन की संयोजकता को हमें संतृप्त ही रखना है उस आधार पर हमें ब्यूटाडाइन और जो स्टाइरिन है उसे जोड़ना होगा तो सबसे पहले जब हम इसे बनाते हैं ब्यूना एस को तो एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे और स्टायरिन जैसे ले लिए तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू का फॉर्मूला है तो अभी हम जब बनाएंगे तो शुरू से डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे जितने भी कार्बन के यहाँ पर परमाणु दिखाई दे रहे हैं वो पूरा श्रृंखला यहाँ पे बना देंगे चाहे वो ब्यूटाडाइन का हो चाहे वो स्टाइरिन के कार्बन का हो तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है सी एच सी एच टू फिर हम ब्यूटाडाइन से ले लेंगे सी एच टू सी एच सी एच और सी एच टू और एक बॉन्ड उधर लगा देंगे और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके होल एंड कर देंगे और एक बॉन्ड इधर लगा दिए तो इस तरह से ये पता चलता है कि जब ब्यूना एस का निर्माण हुआ ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से तो ब्यूना एस बना लेकिन इसमें एक श्रृंखला बनी है जिसमें हम बड़े ब्रैकेट के बाहर और बड़े ब्रैकेट के दोनों तरफ हमने बॉन्ड से उसे शो किया है और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अब हम डबल बॉन्ड लगाएंगे शुरू से डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर जब हम बेंजीन रिंग के साथ सी एच जोड़ें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की आवश्यकता नहीं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है इसके बाद सी एच टू सी एच टू यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है फिर आता है सी एच और सी एच तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें सी एच और सी एच के बीच डबल बॉन्ड लगाना पड़ा और उसके बाद हम लिखते हैं सी एच टू जो लिखा हुआ है वहाँ हम डबल बॉन्ड नहीं लगा रहे हैं कार्बन की वैलेंसी यहाँ भी कंप्लीट है सी एच टू और बाहर की तरफ एक बॉन्ड है तो बाहर की तरफ जो बॉन्ड है उससे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है इसी तरह स्टार्टिंग में जो कार्बन है यहाँ भी बाहर की तरफ एक बॉन्ड है जिससे कि कार्बन की वैलेंसी कम्प्लीट हो रही है और ये एक ब्यूना एस का स्ट्रक्चर बना तो जब कभी भी आप बहुलक की संरचना बनाएंगे तो बहुलक को रटना नहीं है कि बहुलक की संरचना हम कैसे रटें ये रटने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है हमें सिर्फ एकलक अणुओं का नाम और एकलक अणुओं की जो संरचना है वो याद रखनी है और डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है वो डिपेंड करेगा पूरे श्रृंखला को जोड़ने के बाद जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट दिखाई देगी वहाँ हम उसको पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड से उसको संतृप्त करते हुए बनाएंगे तो इस तरह से बहुलक को बनाना हमारे लिए बहुत आसान होगा इस प्रकार जो सह बहुलक होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के एकलक अणुओं के द्वारा निर्माण होता है बहुलक का उसके कुछ और उदाहरण देखिए ब्यूना एन का निर्माण जो है वो दो एकलकों से हुआ है एक होता है ब्यूटाडाइन और दूसरा एकलक होता है एक्राइलो नाइट्राइल और बेकेलाइट भी एक प्रकार का सह बहुलक है बेकेलाइट को बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का प्रयोग होता है अब हम बहुलकों के बारे में ये जानेंगे कि बहुलक को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है बहुलकों को जब वर्गीकृत किया जाता है तो इसके कई सारे आधार होते हैं एक उसके स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं दूसरा संरचना के आधार पर तीसरा संश्लेषण के आधार पर चौथा है आणविक बलों के आधार पर और पांचवा है जब संश्लेषण होता है तो संश्लेषण में किस तरह के स्टेप्स किस तरह के पदों का प्रयोग हुआ है उस आधार पर भी इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं तो कुल पांच प्रकार का आधार मानकर बहुलकों को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं तो इसमें सभी बहुलक कई दूसरे में भी रिपीट होते हैं हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसका आधार क्या है वर्गीकरण का जैसे सबसे पहले हम लेते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बहुलकों के वर्गीकरण में सबसे पहला भाग होगा प्राकृतिक बहुलक का तो प्राकृतिक बहुलक नाम से ही स्पष्ट है हमारे आसपास प्रकृति में बहुत सारे ऐसे बहुलक हैं जो कि पौधों में और जंतुओं में पाए जाते हैं जैसा हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे भोज्य पदार्थ का एक प्रमुख भाग होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो प्रोटीन का जो एकलक है वो होता है अल्फ़ा एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट में जैसे अगर हम बात करें कि स्टार्च है सेलुलोज है तो इनको बनाने के लिए प्रयोग होता है ग्लूकोज का तो ऐसे हम बहुत सारे प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलकों को जानते हैं जो कि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है तो पॉलीसेकेराइड्स जैसे ये मान लीजिए तो उसमें स्टार्च है सेलुलोज़ है जिसका निर्माण जो है वो ग्लूकोज से अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ या बीटा डी ग्लूकोज इन तरह के एक लकरों से हुआ है इसमें से जो सेलुलोज होता है वो हम जानते हैं कि पौधों का एक प्रमुख संरचनात्मक पदार्थ होता है और जो आ, स्टार्च के रूप में पौधे अपना जो भोजन है वो संग्रहित करते हैं दूसरा हम देखेंगे कि नेचुरल पॉलीमर में बहुत इम्पॉर्टेंट वो है प्रोटीन जो कि अल्फा एमिनो अम्ल के बार बार रिपीटेशन से बनता है जैसे अगर हम अल्फ़ा एमिनो अम्ल का सूत्र लेते हैं तो सी सी एच इस तरह से बीच में C है और इधर NH2 इधर COOH और CH और इधर CH3 तो ये एक सिंपल अल्फा एमिनो एसिड है इसके बार 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 पुनरावृत्ति से एक बड़े अणु का निर्माण होगा विभिन्न प्रकार के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे यहाँ और प्रोटीन एक विशाल अणु का निर्माण यहाँ पर हो सकता है इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं न्यूक्लिक अम्ल में उदाहरण हम जानते ही हैं डी और आर एन एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड प्राकृतिक रबर। तो ये भी एक प्राकृतिक बहुलक ही है रबर कहने से हमारे दिमाग में ये आता है कि हम सिंथेटिक रबर की बात करते हैं तो वो तो है ही लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रकृति ने भी रबर दिया है तो रबर के पेड़ से जो प्राप्त लेटेक्स होता है उससे प्राकृतिक रबर बनता है तो प्राकृतिक रबर जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है इसका जो संगठन है उसमें हम देखते हैं जो सबसे सिंपल यूनिट है वो है C5H8 की और इसका होल एन करते हैं होल एन अब तक आप समझ चुके हैं कि होल एन का अर्थ क्या है बहुत सारे C5H8 आपस में जब कंबाइन होते हैं तो प्राकृतिक रबर बनता है या एक पूरा बड़ा अणु बनता है जिसे हम बहुलक कहते हैं जो कि प्राकृतिक रबर है और ये जो C5H8 है ये आइसोप्रीन कहलाता है यानी रबर का जो एकलक है रबर की जो एकलक इकाई है वो आइसोप्रीन होती है आइसोप्रीन का जो सूत्र है वो है सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री फिर सी डबल बॉन्ड सी एच टू तो यहाँ पर देखिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच फिर C सी एच थ्री और C डबल बॉन्ड सी एच टू है तो यहाँ पर भी इसका नाम क्या होगा यदि सी एस थ्री इस दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टू मिथाइल होगा और वन थ्री ब्यूटा तो आई यू पी एस सी नाम यदि हम आइसोप्रीन का देखते हैं तो वो होगा टू मिथाइल वन थ्री ब्यूटा तो इस तरह कई सारे आइसोप्रीन यूनिट्स के आपस में जुड़ने से रबड़ का निर्माण होता है इसके बाद आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी सेमी सिंथेटिक जो पॉलीमर्स uh, होते हैं तो वास्तव में ये नेचुरल पॉलीमर ही होते हैं लेकिन इसको परिवर्धित किया जाता है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो जो प्राकृतिक बहुलक ही है उसको जब मॉडिफिकेशन करके और ज़्यादा यूजफुल कुछ बहुलक बनाया जाता है उसे हम कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक इसके अंतर्गत एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेलुलोज एसीटेट सेलुलोज एसिटेट का निर्माण होता है जब सेलुलोज की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है और सेलुलोज का एसिटिलीकरण कराया जाता है तो एसिटिलीकरण कराने के लिए लिया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड तो इस तरह सेलुलोज और एसिटिक एनहाइड्राइड सी एस थ्री सी ओ होल टू ओ ये है एसिटिक एनहाइड्राइड एच टू एस ओ फोर की उपस्थिति में जब सेलुलोज पर एसिटिलीकरण कराया गया तो ये जो सेलुलोज है वह परिवर्तित होता है सेलुलोज एसीटेट में सेलुलोज एसिटेट या जिसे हम रेउन के नाम से भी जानते हैं इसका प्रयोग काफ़ी सारी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है फिल्म बनाने में धागे बनाने में कांच बनाने में इस तरह के सेलुलोज एसिटेट का प्रयोग किया जाता है तो ये तो हो गई कुछ ऐसे प्राकृतिक बहुलकों के बारे में जिसको मनुष्य द्वारा और अधिक प्रवर्धित करके कुछ ज़्यादा यूजफुल बहुलकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है अब हम देखेंगे संश्लेषित या सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में तो नाम से ही स्पष्ट है जो मानव निर्मित बहुलक होते हैं जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स तो इसके अंतर्गत है जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है आज के हमारे जीवन शैली में वो है पॉलीथीन नाइलॉन सिक्स सिक्स ब्यूना एस ऐसे कई सारे जो रेशे हैं या रबड़ है, जैसे अगर हम एस की बात करें तो वो रबड़ कैटेगरी में आता है यदि हम नायलॉन सिक्स सिक्स की बात करते हैं तो वो रेशे या फाइबर्स की प्रकृति में आता है और प्लास्टिक के उसमें पॉलीथीन का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये सारे जो पॉलीमर्स है वो संश्लेषित पॉलीमर्स होते हैं या संश्लेषित बहुलक होते हैं